आज रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू बाबा महाकाल की ओर से करेंगे। हम पहली राखी हमने बाबा महाकाल को चढ़ाई है। रक्षाबंधन का पर्व है और हम सब यहाँ भस्मा आरती में एकत्रित हुए थे और भस्मा आरती करते हुए भक्तों ने बहुत आनंद लिया। महाकाल बाबा की भस्मा आरती का दर्शन देने को मिला। यहाँ पे ये हमारे इष्टदाता है, यही हमारे अन्नदाता है और आज हमारे को बहुत खुशी हुई। श्रावण मास में जो शिव भक्त होते हैं वो व्रत और उपवास रखते हैं और कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान महाकाल की प्रसाद ग्रहण करके और अपना उपवास और पारणा छोड़ते हैं। इसलिए यहाँ मंदिर में भगवान महाकालेश्वर को लड्डुओं का भोग, उसकी गिनती तो नहीं है पर उसको 1.25 लाख नाम दिया गया है। 1.25 लाख लड्डू का भोग लगाते हैं और सभी भक्तों को वितरण किया जाता है। भस्मा आरती के पश्चात जो प्रसाद लेकर भक्त अपने जो एक मास का जो तप उपवास और व्रत करते हैं उसको वो छोड़ते हैं, प्रसाद ग्रहण करके छोड़ते हैं। ये यहाँ की मान्यता है।